नमस्कार, मैं वर्षा मिश्रा, आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। एक समय था जो राम जैसे बेटे ने माता पिता की वचन को पूरा करने के लिए 14 साल का वनवास लिया था, और घोर कलयुग में ऐसे बेटे हो रहे हैं जो कि अपनी ही बात मनवाने के लिए पिता के साथ ही साथ पूरे परिवार की हत्या कर देते हैं। इस बदलते दौर की दर्दनाक खबरों से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। चलिए डालते हैं इस रिपोर्ट पर एक नजर। ये खबर है हरियाणा से, जिधर घर का इकलौता बेटा अनाथ हो गया। हमेशा की तरह अभिषेक दोपहर में कॉलेज के बाद अपने घर आता है, जिधर वो अपने घर के दरवाजे पे ताला देखता है। वो अपने घर के आसपास के लोगों से पूछताछ करता है, पर किसी को भी उसके परिवार का अता पता नहीं था। उसने फिर अपने परिवार के सारे लोगों को फोन किया, जिसमें सबके फोन बंद बता रहे थे। अभिषेक चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। उसे रोता देख सारे पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई। उसके पास के चाचा चाची भी आ गए थे। अभिषेक उनकी घर को फांद कर अपने घर में गया और वहीं अपने माता पिता बहन और नानी की लाश को देखकर कांप सा गया। उसे देख सारे पड़ोसी भी उसके घर में आ गए। पड़ोसियों ने इस मामले को पुलिस में दर्ज करवाया। मामला पुलिस में दर्ज करने के बाद अभिषेक से कई तरह की पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान अभिषेक का स्टेटमेंट कई बार बदला। अभिषेक ने पूछताछ के जरिए बताया कि उसके घर वालों से उसका नहीं जमता था। उसके बाद अभिषेक नफरत की आग में इतना झुलसा कि उसने अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचा नहीं और चार गोली में ही अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। कहते हैं, नफरत की आग कभी भी किसी का भविष्य नहीं देखती। ठीक ऐसा ही कुछ अभिषेक के साथ भी हुआ। अभिषेक ने खुशनुमा वातावरण ना चुनकर उसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी और आज अपने ही परिवार का हत्यारा कहलाता है। एक ऐसी खबर प्रयागराज से है, चलिए डालते हैं इस रिपोर्ट पर एक नजर। ये कहानी है प्रयागराज की, जहां एक ही परिवार के चार लोगों की मौत अचानक से हो जाती है। इस परिवार में कुल 5 लोग रहते हैं। बेटा कुछ काम से घर से बाहर निकलता है तो घर में 2 आदमी आकर 4 मासूम लोगों की जान ले ली। आखिर क्या कसूर था इन मासूम का? व्यक्ति अपने घर में आता है तो वो लाश देखकर चौक सा जाता है। आखिर एक ही झटके में उसकी सारी जिंदगी खत्म हो गई। माँ बहन पत्नी पिता सबकी लाश को देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है। उसे रोता देख पड़ोसी भी घर में आ गए। आखिर कौन है ये खूनी, इसका पता लगाने के लिए लोगों ने पुलिस में मामला दर्ज किया। आखिरकार घर के बेटे यानी अभिमन्यु के फोन रिकॉर्डिंग से पता चला कि अभिमन्यु ने ही भारे के गुंडे को सुपारी दी थी अपने परिवार को खत्म करने के लिए। पुलिस की माने तो अभिषेक से पूछा गया कि क्या कारण था जो उसने अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया, तो उसने कहा कि उसकी पत्नी के अलावा उसका कहीं और भी अवैध संबंध चल रहा था, जिसको लेकर घर में हमेशा झगड़े होते थे। वो रोजाना की किचकिच से तंग आ गया था और अपने परिवार को मौत के घाट उतार देने का फैसला कर लिया। जिस माँ बाप ने अपने ही बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया था और सही गलत का फैसला लेना सिखाया था, वही माँ बाप इस बात से अनजान थे कि उनका ही बेटा एक दिन उन्हें दर्दनाक मौत देगा, और ऐसी मौत जिसे देख रोंगटे खड़े हो जाए। एक और ऐसी ही खबर है उत्तर प्रदेश से, चलिए डालते हैं इस रिपोर्ट पर एक नजर। ये खबर है उत्तर प्रदेश की, जिधर एक बाप अपने कटे हाथ को लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गया था। पुलिस के FIR दर्ज करने के बाद मामला सामने आया कि उसके अपने ही बेटे ने अपने पिता का हाथ काट दिया है। कारण यह बताया जा रहा है कि जायदाद के हिस्से में उसके पिता ने उसे हिस्सा देने से मना कर दिया था। मना कर देने के कारण उसके बेटे ने ही चाकू से अपने ही पिता का हाथ काट दिया। रिश्तों की मर्यादा को लांघने वाले आपने शायद ही इससे पहले कोई रिश्ते को देखा होगा। जिधर लोग घर के बेटे को चिराग कहते हैं, किसे पता था यही चिराग अपने पूरे खानदान को खत्म कर हत्यारा कहलाएगा। मेट्रो मुंबई पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए मेट्रो मुंबई के साथ।